मैं आपकी दुआओं का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। सबको जवाब नहीं दे पाए, जिसको जैसे हालात होते हैं सबके मैसेज फोन आते हैं। 70 साल हमारे फादर ने इंडस्ट्री को दिए और बहुत प्यार मिला, और ये प्यार आज जाहिर हो रहा है। हम देख रहे हैं, हम इंटरनेट पर नहीं जा रहे हैं बिकॉज हालात हमारे ऐसे है, लेकिन हम सुन रहे हैं कि बहुत सबका बहुत प्यार, और हमारे पिताजी की तरफ से भी जो 70 साल आपको दिए, तो आप उनके लिए एक छोटी सी दुआ कर दीजिए। बहुत शुक्रिया मानते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, थैंक यू फॉर जावेद जाफरी ने अपने पिता को मिले प्यार और सम्मान के लिए गुरुवार यानी 9 जुलाई को लोगों का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल मशहूर हास्य अभिनेता जगदीप का बुधवार रात 8 जुलाई को निधन हो गया था। जगदीप जाफरी 81 वर्ष के थे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान जगदीप के परिजनों ने बताया कि अभिनेता जगदीप को मुंबई के भाईकुला के पार स्थित एक शिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। दर्शकों को बताते चले, जॉनी लीवर भी जगदीप की अंतिम दर्शन के लिए वहां मौजूद थे। जावेद जाफरी और नावेद जाफरी ने अपने पिता को नम आंखों के साथ विदाई दी है। जगदीप जाफरी को सुपुर्द-ए-खाक करने के बाद उनके बेटे जावेद जाफरी और नावेद जाफरी ने मीडिया के सामने अपने दुखद विचार रखे। जावेद ने संवाददाताओं से कहा, बहुत से लोगों ने हमें संदेश भेजे हैं, लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति को जवाब नहीं दे सकते। जो भी ये देख रहे हैं, हम आपको प्यार से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके प्यार और दुआओं के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। जावेद ने कहा, हमारे पिता ने फिल्म जगत में 70 वर्ष गुजारे और उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि वह प्यार आज प्रदर्शित हो रहा है। उन्होंने अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों से जगदीप को अपनी दुआओं में याद रखने को कहा। जावेद ने कहा, हमारे पिता की तरफ से जिन्होंने अपने 70 वर्ष फिल्म उद्योग को दिए, कृपा करके अगर आप उनके लिए छोटी सी प्रार्थना कर सकें तो वह हमारे लिए बहुत होगा। जगदीप ने बाल कलाकार, मुख्य कलाकार और हास्य कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम किया। उन्होंने करीब 400 फिल्मों में काम किया, और खिलौना, ब्रह्मचारी, पुराना मंदिर, अंदाज, अपना अपना, फूल और कांटे आदि फिल्मों में यादगार अभिनय किया है।